जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के पांचवें दिन आया भारतीय गेंदबाजों का भयंकर तूफान। मैदान पर मोहम्मद शमी ने मचाया कहर, भारतीय गेंदबाजों से डरे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार आज भारतीय गेंदबाजों ने कैसे कमाल की गेंदबाजी करवाकर न्यूजीलैंड टीम के परखच्चे उड़ा डाले, उसी के बारे में। तो आप सभी इस खबर को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि जसप्रीत बुमराह से हुई बड़ी चूक, ओवर खत्म करने के बाद भागे ड्रेसिंग रूम में, फिर हुआ कुछ ऐसा कि जानकर आप भी रह जाओगे हैरान। तो दोस्तों आखिरकार क्या ये वाक्य हुआ था जसप्रीत बुमराह के साथ कि उन्हें ड्रेसिंग रूम में भागना पड़ा, उसके बारे में भी बताएंगे। और वही यहाँ पर हम आपको मैच से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में भी बताएंगे। तो आप सभी इन खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है साउथैम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर मैच के पांचवें दिन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम काफी ज्यादा दबाव में भारतीय टीम के सामने दिखाई दी। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि इस मैच में चौथे दिन भी बारिश की वजह से एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी थी, और इस मैच का पहला दिन भी बारिश की भेंट चढ़ गया था और दूसरे दिन टॉस किया गया था। और ऐसे में दूसरे दिन ही मैच शुरू भी हुआ और दूसरे दिन और तीसरे दिन तो मैच अच्छे से खेला गया, लेकिन पहले और चौथे दिन मैच नहीं हो पाया, जिसके चलते आज पांचवें दिन का मैच भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में हुआ। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 217 रन बनाए थे, और वहीं भारत के 217 रनों के जवाब में जब न्यूजीलैंड के ओपनर टॉम लैथम और डेवन कॉनवे बल्लेबाजी के लिए उतरे तो न्यूजीलैंड को पहली पारी में अच्छी शुरुआत इन दोनों ही खिलाड़ियों ने दिलाई और दोनों के बीच में 70 रन की साझेदारी हुई। तो वहीं भारत को पहली सफलता स्पिनर आर अश्विन ने दिलाई थी जब उन्होंने 30 रन पर टॉम लैथम को कप्तान विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाया। तो वहीं खतरनाक बल्लेबाज डेवन कॉनवे 54 रन बनाकर ईशांत शर्मा की गेंद पर मोहम्मद शमी के हाथों कैच आउट हुए, और ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम के यहाँ पर दो विकेट गिर चुके थे। और जब आज पांचवें दिन का खेल शुरू हुआ तो पांचवें दिन मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे केन विलियमसन और रॉस टेलर, जहाँ पर केन विलियमसन और रॉस टेलर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना विकेट पहले सत्र के एक घंटे में तो उन्होंने दिया ही नहीं। और वहीं दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि गेंदबाज भारतीय टीम के पूरा पूरा प्रयास कर रहे थे कि इनका विकेट किसी भी तरीके से निकालें, लेकिन ये दोनों ही बल्लेबाज एक दीवार की तरह विकेट के आगे खड़े हुए थे और ना तो LBW का कोई चांस दे रहे थे और ना ही कोई विकेट हाथ में दे रहे थे। हालांकि दोस्तों भारतीय गेंदबाजों की यहां पर तारीफ करनी होगी कि उन्होंने संयम बरकरार रखा और न्यूजीलैंड टीम को रन नहीं बनाने दिए। जी हां दोस्तों, यहां पर एक घंटे में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने बस मात्र 13 रन बनाए, जिसके चलते न्यूजीलैंड की टीम काफी ज्यादा दबाव में आ गई थी। और फिर इसी दबाव का फायदा उठाया मोहम्मद शमी ने, जब 64वें ओवर की पहली गेंद मोहम्मद शमी डालने के लिए आए तो मोहम्मद शमी ने रॉस टेलर को आउट कर दिया। जी हां दोस्तों, यहां पर रॉस टेलर का विकेट 11 रन के स्कोर पर गिरा और जब न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर मात्र 117 रन पर ही था। तो वहीं दोस्तों रॉस टेलर के आउट होने के तुरंत बाद ही मैदान पर उतरे हेनरी निकोलस, जहां पर हेनरी निकोलस के साथ मिलकर केन विलियमसन अभी भी मैदान पर टिके हुए हैं। और वहीं दोस्तों केन विलियमसन की यहां पर तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अभी तक न्यूजीलैंड के लिए इस मुश्किल समय में भी अपना विकेट नहीं गंवाया है और वो अभी भी मैदान पर टिके हुए हैं। और ऐसे में भारतीय गेंदबाजों के आगे सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ी चुनौती केन विलियमसन को ही आउट करना अब होगी। बाकी आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है कि केन विलियमसन कब तक आउट हो पाएंगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, टेलर और अश्विन करेंगे कारनामा। जी हां दोस्तों, आज मैच के दौरान तीन बड़े रिकॉर्ड आप सभी को बनते हुए दिखाई देंगे, जहां पर पहला रिकॉर्ड ये होगा कि रॉस टेलर अभी कीवी टीम और साथ में कीवियों के लिए टेस्ट डेब्यू किया था और वो तब से टीम के अहम हिस्सा है। तो वहीं जो दूसरा रिकॉर्ड होगा वो ये होगा कि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउथी एक विकेट हासिल करते ही अपने देश के लिए एक अहम और बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे और वो एक विकेट चटकाते ही अपने देश के लिए न्यूजीलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 विकेट और 143 वनडे में 190 विकेट, तो वहीं 82 T20 इंटरनेशनल में 99 विकेट। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताएं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले का आज पांचवा दिन है। तो वहीं इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले का पूरा मजा बारिश ने किरकिरा कर दिया, जहां पहले दिन पूरे
दिन बारिश होती रही और टॉस भी नहीं हो पाया, तो वहीं दूसरे दिन मैच शुरू हुआ और दूसरे ही दिन टॉस करवाया गया था। हालांकि दोस्तों दूसरे दिन 61 ओवरों के लगभग का मैच हुआ था, लेकिन जिसके बाद तीसरे दिन पूरा भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मैच खेला गया। हालांकि दोस्तों अभी हम आपको बताएं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में काफी तगड़ी जंग है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला फाइनल मुकाबला है और इस फाइनल मुकाबले में हर कोई अपनी फेवरेट टीम को जीतते हुए देखना चाहता है। जहां एक तरफ भारतीय फैंस चाहते हैं कि इस बार का मैच ड्रॉ ना हो, तो वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के फैंस भी यही चाहते हैं और भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई नजर आई। जहां पर चेतेश्वर पुजारा से उम्मीद थी कि ये तीनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन इन तीनों ने ही भारतीय दर्शकों को निराश किया। और ऐसे में जब अपनी पारी के लिए न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए आई, तो टॉम लेथम और डेविन कॉनवे ने 70 रन की अर्धशतकीय साझेदारी कर न्यूजीलैंड की टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। हालांकि दोस्तों पांचवें दिन के खेल के दौरान हम सभी को केन विलियमसन और रॉस टेलर मैदान पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि केन विलियमसन ने आज 12 रन से आगे खेलना शुरू करा, तो वहीं रॉस टेलर दो गेंदों में मात्र 0 रन पर ही अभी बने हुए हैं। तो आज पांचवें दिन भारत को न्यूजीलैंड टीम के पूरे 10 के 10 विकेट चटकाने होंगे और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी भी करनी होगी, जिसके चलते भारतीय टीम काफी बड़ी बढ़त बना ले और उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम उस बढ़त तक ना पहुंच पाई। क्योंकि अगर कल का दिन भी ऐसे ही निकल गया तो उसके बाद तो बहुत ही मुश्किल है कि भारतीय क्रिकेट टीम जीत पाए, क्योंकि अभी भी अगर हम जीतने की परसेंटेज की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम का जीत प्रतिशत 21% है, तो वहीं भारतीय टीम का जीत प्रतिशत मात्र 6% पर आकर टिका हुआ। तो वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, न्यूजीलैंड के बीच में मैच का पहला दिन भी बारिश की भेंट चढ़ा, और ऐसे में लगातार अब चौथा दिन भी बारिश की भेंट चढ़ गया और जिसके बाद भारत और न्यूजीलैंड की टीम को 2 दिन का पूरा नेट नुकसान हुआ है। तो ही दोस्तों हम आपको बताएं कि भारत की पहली पारी दूसरे दिन से शुरू हुई थी, जहां पर भारतीय टीम ने पहली पारी में 92.1 ओवर भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी क्रम में सबसे ज्यादा निराश किया रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा ने। और वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि भारत की बल्लेबाजी के बाद जब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, फाइनल का मजा बारिश ने पूरी तरह से किरकिरा कर दिया। जहां पर इंग्लैंड में फाइनल कराने के आईसीसी के फैसले की चारों तरफ आलोचना की जा रही है, और वहीं अब इस कड़ी में इंग्लैंड के महान बल्लेबाज केविन पीटरसन का भी नाम जुड़ चुका है। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि केविन पीटरसन ने सामने आकर एक ऐसा बड़ा खुलासा किया है जिसके बाद हर किसी के तोते उड़ गए हैं उसे जानने के बाद। दरअसल दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के महामुकाबले के पहले दिन बारिश की वजह से टॉस तक नहीं हो पाया था और इसके बाद मैच तो शुरू हुआ, लेकिन बारिश और खराब मौसम की आंख मिचोली ने इस टेस्ट मैच को नीरस बनाकर रख दिया। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।